जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल विभाग में मैनेजर, सुपरवाइजर ऐसी बहुत सारी पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 20 अप्रैल 2022 से आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। एज, फीस, क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म फीस फ्री है, आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हैं, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। 20 अप्रैल 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 9 मई 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप यहाँ पोस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं और किस डिपार्टमेंट के अंदर। असिस्टेंट अर्चिविस्ट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट निकाली गई है, मैनेजर सिविल की पोस्ट निकाली गई है, शिफ्ट इंचार्ज, मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर ट्रैफिक प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक, पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक ड्राइवर और मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्त्री, एसबीओ की पोस्ट निकाली गई है, मैनेजर आईटी, फिटर सुपरवाइजर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल और बैक्टीरियोलॉजिस्ट की भी पोस्ट यहाँ निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पोस्ट के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो पहली पोस्ट है असिस्टेंट अर्चिविस्ट ग्रेड फर्स्ट की। टोटल पोस्ट 6 हैं। डिप्लोमा इन अर्चीव्ड कीपिंग में मांगा गया है। पे स्केल आपको 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ आपको यहां वेतन दिया जाएगा। 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद मैनेजर सिविल की पोस्ट निकाली गई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल पोस्ट 1 है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी पोस्ट है फिफ्थ इंचार्ज की। दिल्ली जल बोर्ड में ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 8 पोस्ट हैं। 10वीं पास और ITI यहां साथ में मांगा गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रिलेवेंट ट्रेड में। 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ यहां सैलरी दी जाएगी। 18 साल से लेकर 32 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मैनेजर मैकेनिकल की पोस्ट निकाली गई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल 24 पोस्ट हैं। डिग्री इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको वेतन वही दिया जाएगा 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैनेजर ट्रैफिक की पोस्ट निकाली गई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर। टोटल 13 पोस्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है यहाँ पास, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये वेतन दिया जाएगा। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट यहाँ निकाली गई है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पास मांगा गया है सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी में और यहाँ पास एक्सपीरियंस मांगा गया है सोशल फैक्टर में, आप इस बात को नोट कर लीजिए। वेतन आपको यही दिया जाएगा 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये और 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक की पोस्ट निकाली गई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर। टोटल 3 पोस्ट हैं। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतन आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पास पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्त्री और एसबीओ की पोस्ट निकाली गई हैं दिल्ली जल बोर्ड विभाग के अंदर, ठीक है। टोटल 68 पोस्ट हैं। 10वीं पास और सातवीं ITI मांगा गया है। आपको यहाँ पास वेतन देखने के लिए मिल जाएगा। 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मैनेजर IT की पोस्ट निकाली गई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल 1 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पास मांगा गया है। आपको सैलरी यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगी। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है फिटर सुपरवाइजर की, दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल 18 पोस्ट हैं। डिग्री इन साइंस में मांगा गया है और 2 साल का वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए फिटर्स में
और आपको वेतन देखने के लिए मिल जाएगा 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये। 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसके बाद मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकाली गई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर एक पोस्ट है और यहाँ पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। आपको यहाँ पास सैलरी देखने के लिए मिल जाएगा, 18 से 35 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजिस्ट की पोस्ट निकाली गई है, मास्टर डिग्री मांगा गया है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जियोलॉजी में, ठीक है। 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगी जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं और OBC कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। इसके अलावा महिला कैंडिडेट की एक भी फीस नहीं लगेगी। SC ST कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनकी भी फीस एक भी रुपये नहीं लगेगी। PWD कैंडिडेट की भी फीस नहीं लगेगी और एक्स सर्विसमैन की भी फीस यहाँ नहीं लगेगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, यही सब पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी यहाँ पर पूछी जाएगी। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन रहेगा तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पास एज में छूट भी देखने के लिए मिल जाएगी। SC ST वालों को 5 साल की एज में छूट दी जा रही है, OBC वालों को 3 साल की और PWD कैंडिडेट को यहाँ पास 10 साल की एज में छूट दी जा रही है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।